हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के विषय गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ गिवन है एक स्केल जिसमें 5 सेंटीमीटर तक नाप दे रखी है, 5.5 सेंटीमीटर तक। यहाँ ए की माप दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और बी की माप दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ कौन सा विकल्प रूलर पर 5 सेंटीमीटर दिखाता है? तो 5 सेंटीमीटर रूलर पर दिखा रहा है ए। नेक्स्ट, एक नेल दे रखी है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है लंबाई, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दी गई चित्र में कील की लंबाई क्या है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक कार है, टॉय कार। तो टॉय कार की लंबाई कितनी है? तो यहाँ कितनी दिख रही है टॉय कार की लंबाई? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक दी गई बैटरी की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? तो दी गई बैटरी की लंबाई हमें दिख रही है यहाँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से 10 में से 2 गए तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सीनरी है, नदी की लंबाई मापने के लिए आप किस इकाई का प्रयोग करेंगे? तो नदी बहुत लंबी होती है, तो यहाँ कौन सी इकाई का यूज़ कर रहे हैं हम? किलोमीटर का, ठीक है। ये है एफिल टावर। ऊपर दर्शाए गए एफिल टावर की ऊंचाई नापने के लिए लंबाई नापने की प्रयुक्त इकाई कौन सी होगी? मीटर में होगी ऑब्वियसली, तो मीटर में लिख देंगे इसे। नेक्स्ट, एक बेल दे रखी है, बेल की लंबाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करेंगे? मीटर। नेक्स्ट, एक सोफ़ा दे रखा है, सोफे की लंबाई 450 कितनी होगी? 450 मीटर थोड़ी होगा, 450 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ सेंटीमीटर में इसकी मेजरमेंट होगी। यहाँ कुछ शेप्स दे रखी है, आकृति दे रखी हैं, कौन सी आकृतियाँ समान हैं? तो यहाँ समान आकृतियाँ दे रखी हैं ई और डी, जो कि वर्गाकार आकृति हैं। तो डी और ई को करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तीलियों से एक त्रिभुज बनाया गया है, रश्मि ने माचिस की 3 तीलियों से चित्र में दी गई आकृति बनाई है, इस आकृति का आकार क्या है? तो ये है त्रिभुज, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गेंद दे रखी है, दी गई आकृति को पहचानिए, तो ये कौन सी है आकृति? वृत्त, ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति आयत है? तो आयत है आपकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं। वर्गाकार में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ऑप्शन 2 हमें आयत की जैसा दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 को करेक्ट कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट होता है कक्षा 5 के विषय गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।